हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशंस भी बहुत सारे हैं। प्राइमरीली फोर मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर ये टॉपिक टिका हुआ है। पहला कहलाता है एवरेज स्पीड, सेकेंड रेशियो एंड स्पीड, थर्ड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड जिसका यूज हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और एस्केलेटर्स में करते हैं, एंड फोर्थ रिलेटिव स्पीड जिसका इस्तेमाल हम लीनियर रेसेस, सर्कुलर रेसेस, यहां तक कि क्लॉक्स में भी करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अगर हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के देखते हैं तो वो है बेस्ड रेशियो एंड स्पीड कंसेप्ट पर। इसी कंसेप्ट पर आज हम फोकस करने वाले हैं। यहां पर एक बेसिक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर डिस्टेंस कवर सेम हो और मान लीजिए हमें दो पर्सन की स्पीड्स का रेशियो गिवन है 5:3, तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम वो लोग लेंगे उसका रेशियो इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 3/5। जब दो पर्सन होते हैं तब तो हम इस वैल्यू को इमीडिएटली बस रिवर्स कर देते हैं, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर v1:v2 हमें 5:3 गिवन है तो t1:t2 होता है 1/5:1/3। यहाँ पर फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज मोस्टली द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो ये रेशियो हो जाएगा 3:5 जो कि यहाँ पर आ। लेकिन अगर तीन मेंबर्स हमारे पास में हो, मान लीजिए हमें कहा जाए v1, v2 और v3, इनकी स्पीड्स का रेशियो हमें गिवन है 5:3:2, तो जल्दबाजी में t1:t2:t3 हमें 2:3:5 नहीं लिखना है, ये होगा 1/5:1/3:1/2। एंड अगेन हम इस फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो इन तीनों का मल्टीपल हो। 30 एक सबसे अच्छा नंबर होगा जिन तीनों का एलसीएम है। सिंप्लीफाई करने पर ये हो गया 6:10:15। बहुत बेसिक कंसेप्ट है बट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे ही अगर स्पीड का रेशियो हमें गिवन है और ये कहा जाए कि दोनों ही पर्सन सेम टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं तो जो डिस्टेंस वो कवर करेंगे उसका रेशियो 5:3 होगा। टाइम टेकन के केस में रेशियो रेसिप्रोकेट हो जाता है यानी उल्टा हो जाता है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल में ये रेशियो सेम रहता है। यहां तक कि हम जो ऑर्डर है उस पर हमेशा फोकस करते हैं। ये v1/v2 लिखा है तो यहां लिखेंगे t1/t2, यहां लिखेंगे d1/d2। इस केस में डिस्टेंस सेम रहेगा, इस केस में टाइम सेम रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक पर्सन ए से डिपार्ट करते हैं फॉर बी, सी इनका मिड पॉइंट है, तो डिसाइड करते हैं कि मुझे यहां से ए से लेके बी तक इतने आवर्स में पहुंचना है, तो लेट अस से वो स्पीड वी से ट्रेवल करना शुरू करते हैं। पर जब वो पर्सन सी पर पहुंचते हैं ही फाइंड्स कि जितना टाइम उनको लेना चाहिए था उससे उन्होंने 1.5 आवर्स ज्यादा टाइम ले लिया है। दैट मींस उन्होंने अज्यूम किया था कि मैं मिड पॉइंट तक इस समय तक पहुंच जाऊंगा और एक एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने अपनी स्पीड मेंटेन की, लेकिन उनको रियलाइज हुआ जब वो यहां पहुंचे कि उन्हें 1.5 आवर ज्यादा लग रहा। यहां पर उन्होंने क्या किया, अपनी स्पीड को डबल कर दिया, एंड बिकॉज उन्होंने स्पीड डबल कर दिया ही वॉज एबल टू रीच ऑन टाइम। तो यहां जनरली हमसे ये पूछा जाएगा कि नॉर्मली ए से बी आने में उन्होंने कितने आर्स का अपना जर्नी प्लान किया था, और इनिशियली ए से जब वो सी आए तो कितने आर्स लगा और जब सी से बी आए तो कितने आर्स लगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है जहां पर हमें क्योंकि गिवन है सी मिड पॉइंट है, हम इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल लेते हुए क्वेश्चन करें। लेट अस से यहां पर आइडियली उन्होंने सोचा था कि उन्हें टी आर्स लगने चाहिए थे बट लगे हैं t+1.5 आवर्स। इन्होंने यहां पर अपनी स्पीड डबल की और ऑन टाइम पहुंच गए। ऑन टाइम पहुंचने का मतलब क्या है, ये जो 1.5 आवर इन्होंने यहां एक्स्ट्रा लिया था वो इन्होंने यहां पे कवर कर लिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो उन्होंने ये सोचा था कि ए से सी टी आवर्स और सी से बी टी आवर्स लगेंगे, पर यहां लगा t+1.5 आवर्स, तो यहां लगना चाहिए t-1.5 आवर्स, सो दैट ओवरऑल टाइम 2t लगेगा जो उन्होंने प्लान किया था। यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2t आवर्स उन्होंने प्लान किया था, टी आवर्स यहां आने के लिए और टी आवर्स यहां आने के लिए। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है तो हम कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। नाउ यहां पर हम v को कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन फास्ट करें, ये हो गया 2t, ये है t, राइट साइड चला गया तो हमारे पास बचेगा t, 2 times 1.5, ये हो गया 3, नेगेटिव साइन है, लेफ्ट साइड आ गया था पॉजिटिव, 3 and 1.5 4.5 आवर्स। इसका मतलब है उन्होंने सोचा था ये पूरी जर्नी 9 आवर्स में कवर करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो था वो था 4.5 + 1.5 6 आवर्स और ये हो गया 3 आवर्स। एंड हम देख सकते हैं कि जब उनकी स्पीड डबल हुई तो जर्नी टाइम उनका हाफ हो गया। तो एक तरीका था जहां पर हम इस क्वेश्चन को इसमें डील करते इक्वेशन बना के, क्या हम इसी क्वेश्चन को फटाफट कर सकते थे रेशियो का इस्तेमाल करते हुए। यहां स्पीड डबल हो गई, डबल होने का मतलब है यहां का जो जर्नी टाइम है वो इस जर्नी टाइम का हाफ होगा, इसका मतलब है हमने हाफ टाइम सेव कर लिया,
हमें सेव करना है 1.5 आवर्स, तो हाफ टाइम 1.5 आवर के इक्वल होगा, तो फुल टाइम 3 आवर के इक्वल होगा। दैट मींस इन्होंने ये वाला पार्ट 3 आवर्स में कवर किया और ये वाला पार्ट 6 आवर्स में कवर किया, क्योंकि स्पीड डबल हो गई तो टाइम हाफ हो गया ये वाला, तो टोटल 9 आवर्स इन्होंने प्लान किया था, 6 आवर्स इन्होंने लिया है। इसका मतलब है आइडियली इन्होंने ये सोचा था कि मैं 4.5 आवर में अपनी जर्नी करूंगा यहां तक और 4.5 आवर में जर्नी करूंगा यहां पर, यहां 1.5 आवर एक्स्ट्रा लिया, यहां 1.5 आवर कम लिया और बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई। तो रेशियो अगर आपको आ गया तो आपकी स्पीड जो है वो काफी तेज हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्विमिंग पूल की लेंथ। दो पर्सन है, लेट अस से एक पर्सन का नाम है पी वन, एक पर्सन का नाम है पी टू। ये दोनों अपोजिट एंड से स्विम करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों की स्पीड जो स्विमिंग की है वो अलग अलग है बट कॉन्स्टेंट है, कोई रेस्ट नहीं करता। तो पर्सन जब यहां पहुंचता है पॉइंट सी पर, उसी समय हमारे जो पर्सन टू हैं वो भी यहां पर पहुंच जाते हैं। दैट मींस फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं पॉइंट सी पर, इनमें से कोई भी यहां रुकता नहीं है। जो पर्सन वन है वो इस एंड पे पहुंचते हैं और वहां से पहुंचने के बाद वो टर्न कर लेते हैं टुवर्ड्स ए। व्हाट अबाउट पर्सन टू, वो स्विम करते हुए यहां तक आते हैं और यहां पहुंचने के बाद अगेन वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। नाउ दे क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट डी, दैट मींस जब पर्सन वन यहां आते हैं उसी समय पर्सन टू भी यहां आ जाते। हमें ये जो डिस्टेंस बीसी है, लेट अस से ये गिवन है 19 मीटर्स और हमें डिस्टेंस एडी जो है वो गिवन है 7 मीटर्स। हमें जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल दैट इज ए बी पूछा जाएगा। Now, एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस ए बी हमें गिवन है इसे हम मान लेते हैं एक्स मीटर, हमें यही वैल्यू निकालनी है। नाउ बी से सी का डिस्टेंस 90 मीटर गिवन है, तो व्हाट अबाउट ए से सी का डिस्टेंस? ए से सी का डिस्टेंस होगा ए बी माइनस बी सी, दैट इज एक्स माइनस 90 मीटर। जब ये दोनों पर्सन पहली बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तब क्या होता है, जो पर्सन वन है ये चलते हैं डिस्टेंस ए सी और जो पर्सन टू है ये चलते हैं डिस्टेंस बी सी। हमें इनके डिस्टेंस का रेशियो पता है, वो है x माइनस 19/19। नाउ बिकॉज दोनों एक साथ स्विमिंग करना शुरू करते हैं, क्रॉस करते हैं, दैट मींस इनका ट्रैवल टाइम जब एक दूसरे को सी पर क्रॉस करते हैं वो इक्वल है। तो जब ट्रैवल टाइम इक्वल होगा तो जो इनकी स्पीड्स का रेशियो होगा वही इनके डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो भी होगा। अच्छा, सेकेंड मुलाकात तक क्या होगा, हमारे जो पर्सन वन है वो क्या करेंगे, पहले वो जाएंगे ए से बी और फिर वो आएंगे बी से डी। What about person 2? ये पहले जाएंगे B से A, तो हम इसको BA लिखें या AB लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर वो आएंगे A से D। Now what is AB? ये तो equal है X के। Can I find out BD? BD निकालना बड़ा आसान है, AB minus AD। AB हो गया है X और AD हमें given है 7। What about AB? Again X and AD 7। तो ये जब इन्होंने सेकंड इनकी मुलाकात हुई है उस समय तक इन्होंने जो डिस्टेंसेस कवर किए हैं उसका रेशियो आ गया, बट क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपनी स्पीड चेंज नहीं की है, हम कहेंगे पहली सिचुएशन में इनकी स्पीड्स का जो रेशियो था वही रेशियो इनका सेकंड सिचुएशन में है। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो एक्स माइनस 19/19 इज इक्वल टू 2x माइनस 7/x प्लस 7। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 133 इज इक्वल टू 38x माइनस 133। ये माइनस 133 हमारा कैंसिल हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 0, वी कैन टेक x कॉमन, x माइनस 50, हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 0 और 50, 0 पॉसिबल नहीं है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 50। ऑल्टरनेट मेथड में हम फोकस करेंगे इनके टोटल डिस्टेंस और इंडिविजुअल डिस्टेंसेस भी। जब ये लोग पहली बार मिलते हैं तो पर्सन वन आ रहे हैं ए से सी और पर्सन टू आ रहे हैं बी से सी, दैट मींस इन दोनों ने मिलके हम कहेंगे ए सी प्लस बी सी, दैट इज ए बी डिस्टेंस कवर किया है विच इज इक्वल टू एक्स। उस समय पर्सन टू ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हम कहेंगे बी सी, दैट इज 90। जब दूसरी बार मुलाकात होती है तब टोटल डिस्टेंस ये दोनों कितना चलते हैं, पर्सन वन ए से बी जा रहे हैं यानी एक्स और उसके बाद वो बी से डी आ रहे हैं। व्हाट अबाउट पर्सन टू, वो पहले बी से ए आ रहे हैं यानी एक्स और उसके बाद ए से डी जा रहे हैं। नाउ हमें मालूम है बी डी प्लस ए डी इज नथिंग बट ए बी, सो ये भी एक्स हो गया, तो एक्स एक्स एंड एक्स ये दोनों मिलके 3x डिस्टेंस कवर करेंगे। नाउ बिकॉज दोनों में से किसी ने भी अपनी स्पीड्स ऑल्टर नहीं की है, इनका कंबाइंड डिस्टेंस ट्रिपल हो गया, तो इनके इंडिविजुअल डिस्टेंसेस भी ट्रिपल हो जाएंगे। 19 का ट्रिपल 57 होगा। जो पर्सन टू है उन्होंने बी से लेके ए आने में
और ए से डी आने में 57 मीटर ट्रेवल किया है, ये इनका टोटल पाथ है। बी ए प्लस ए डी दिस इज इक्वल टू 57। हमें यहां पर ए डी पता है 7 है, तो बी ए या इसको हम ए बी लिखेंगे वो क्या होगा, 57 माइनस 7 दैट इज 50 मीटर। तो सिंपल रेशियो पे अगर हम काम करते तो इमीडिएटली हमारे क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जो रेशियो पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन जनरली आपको या तो मेट्रो के मूवमेंट के रिलेटेड में होते हैं या आपको बुलेट्स फायर होती है उसके साउंड के मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। एक सिंपल अप्रोच से हम समझते हैं, स्टेशन ए से दो मेट्रो डिपार्ट करती है, पहली मेट्रो लेटेस्ट उसका नाम है M1 और दूसरी मेट्रो से उसका नाम है M2। ये दोनों मेट्रोस 10 मिनट के गैप में डिपार्ट करती है फ्रॉम स्टेशन ए। नाउ एक पर्सन है जो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द स्टेशन ए, फर्स्ट मेट्रो को वो इस पॉइंट पर मिलते हैं, लेटेस्ट इसका हमने नाम दे दिया है बी। अच्छा, जब वो पहली मेट्रो को मिलते हैं उस समय वो अपनी घड़ी में टाइम को सेट कर देते हैं लेटेस्ट से 0 मिनट, रीसेट करके और फिर आगे मूव कर रहे हैं बिकॉज इनका मूवमेंट हो रहा है। सेकेंड मेट्रो को से वो इस पॉइंट पर मिलते हैं सी पर, और जब वो अपना टाइम नोट करते हैं ही फाइंड्स कि 9 मिनट गुजरे। तो यहां पर हमें पूछा जाता है कि अच्छा बताइए जो मेट्रो ट्रेन है उसकी स्पीड और जो पर्सन है उसकी स्पीड का रेशियो क्या है। यहां पर हमें ये अज्यूम करना है कि दोनों ही मेट्रो ट्रेन जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और वो स्पीड दोनों के एक दूसरे के इक्वल। नाउ अगेन इस क्वेश्चन को करते समय हम एक आसान तरीके से इस पे फोकस करें कि मान लीजिए जब मेट्रो ट्रेन यहाँ है 1, तो मेट्रो ट्रेन 2 जो है वो इस समय यहाँ। हम एक इमेजिन करते हैं क्योंकि इस केस में मेट्रो ट्रेन को यहाँ से और यहाँ आने में टोटल कितना टाइम लगना चाहिए था, 10 मिनट्स। नाउ जब मेट्रो ट्रेन 1 यहाँ है, इन पर्सन ने अपनी घड़ी में रीसेट किया, स्टॉपवॉच चालू शुरू की और उसमें 0 का मार्क, तो हम ये कहेंगे कि 0 मिनट के मार्क पे पर्सन यहाँ है और मेट्रो ट्रेन जो 2 है वो यहाँ है ना। अब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्रॉस किया, कितने देर में, 9 मिनट में। तो हम कहेंगे हमारी जो पर्सन है उन्हें यहां से यहां आने में 9 मिनट लगा और हमारी जो मेट्रो ट्रेन है उन्हें भी यहां से यहां आने में 9 मिनट लगा। लेकिन अगर ये पर्सन मान लीजिए यहीं खड़े रहते, मूव नहीं करते, तो ये ट्रेन को भी यहां से यहां आने में 1 मिनट का टाइम और लगा, क्योंकि दोनों ट्रेन्स 10 मिनट के गैप में डिपार्ट कर रही है। तो अगर पहली ट्रेन यहां पर लेटेस्ट से 0 मिनट के मार्क पे है तो सेकेंड ट्रेन 10 मिनट के बाद यहां आनी चाहिए। सो दैट मींस इस डिस्टेंस को हमारी जो मेट्रो ट्रेन 2 है वो 1 मिनट में कवर करती है और वही डिस्टेंस हमारा पर्सन कितने देर में कवर कर रहा है, 9 मिनट में। सेम डिस्टेंस कवर करने में इन्होंने जो टाइम लिया है उसका रेशियो 1:9 है, तो इनकी जो रेस्पेक्टिव स्पीड्स होगी उसका रेशियो क्या होगा, 9:1। अब यहां पर अगर हमें लॉजिक समझ में आ गया तो हम शॉर्टकट भी डेवलप कर सकते हैं। हम कहेंगे एक्चुअल टाइम ऑफ मीटिंग इज टू द डिफरेंस ऑफ द टू टाइम्स, एक तो जो गैप था 10 मिनट का और मिलने का 9, 10 और 9 का डिफरेंस 1 है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9:1। तो कई सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन जब आते हैं उनमें सही वैल्यू अज्यूम करना बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे ये कैट 2019 का एक क्वेश्चन है, वन कैन यूज 3 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स व्हिच मूव एट 10, 20 एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली टू रीच फ्रॉम ए टू बी, अमर टुक ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 1/3 ऑफ हिज टोटल जर्नी टाइम। तो मैं जनरली क्या करता हूं, ये मान के चलता हूं कि उनका जर्नी टाइम जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। आगे गिवन क्या है, while B took each mode of transport 1/3 of the total distance, तो क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर पे 3 दो बार दिख रहा है, मैंने क्या किया कि मान लीजिए जो पर्सन अमल है उन्होंने ये जर्नी 9 आवर्स में कंप्लीट की, मैं इसको 3 आवर्स भी ले सकता हूँ, 9 आवर्स भी ले सकता हूँ। मैंने एक बार सेफ्टी के लिए 9 आवर्स लिया क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जो ट्रांसपोर्ट था वो 1/3 ऑफ इस टोटल जर्नी टाइम 3 हिस्सों में बांटा, 9 का 3 आवर्स, 3 आवर्स और 3 आवर्स। और किस स्पीड से मूव किया इन्होंने, ये वाला पार्ट 10 की स्पीड से, ये वाला पार्ट 20 की स्पीड से और ये वाला पार्ट 30 की स्पीड से। क्या हम इनका टोटल डिस्टेंस पता कर सकते हैं, 10 की स्पीड से 3 आवर्स ये कवर करेंगे 30 किलोमीटर, 20 की स्पीड से 3 आवर्स 60 किलोमीटर, 30 की स्पीड से 3 आवर्स 90 किलोमीटर। दैट मींस जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है वो है 180 किलोमीटर। व्हाट अबाउट बी, बी ने क्या किया यहां पर, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 180 का 1/3 हम कहेंगे 60, 60 एंड 60। ये 60 डिस्टेंस 10 की स्पीड से चलने का मतलब है 6 आवर्स लगे, ये 60 डिस्टेंस 20 की स्पीड से चलने का मतलब 3 आवर्स और ये 60 डिस्टेंस 30 की स्पीड का मतलब 2 आवर्स। इन्होंने टोटल 11 आवर्स लिया जबकि फर्स्ट पर्सन ने कितना टाइम लिया था, 9 आवर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
The percentage by which Bimal's travel time exceeds Amal's travel time is nearest to. इनका time है 11, इनका time है 9. हम कहेंगे ये value से 2 hours ज़्यादा है क्योंकि calculation इसके respect में होनी है. ये denominator पे आके multiply by 100. ना अगर हमें मालूम है कि 1 upon 9 11.11% होता है तो 2 upon 9 होगा 22.22%. हमें exact calculate करने की ज़रूरत नहीं होती है. Nearest value पूछी गई थी. थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं. अगेन कैट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. टू एंड सी एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ सर्कल एट द सेम टाइम विद ए मूविंग क्लॉकवाइज बी मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 एम व्हेन ए हैज कवर्ड 60% ऑफ द ट्रैक. इफ ए रिटर्न्स टू पी एट 10:12 AM देन बी रिटर्न्स टू पी एट. ना यहां पर दोनों ने एक साथ मूव करना शुरू किया है पॉइंट बी से, ए क्लॉकवाइज में और बी एंटी क्लॉकवाइज. कहां मिले हैं? लेट अस से पॉइंट क्यू पर. तब तक ए ने 60% ऑफ द ट्रैक कवर कर लिया है. तो व्हाट अबाउट बी? इन्होंने कवर किया होगा 40% ऑफ द ट्रैक. कितने बजे एक दूसरे को मिले हैं? ये मिले हैं 10 एएम पे. नाउ एंड ए इस समय यहां पर है, इधर मूव कर रही है. एंड बी इस समय यहां पर है और इधर मूव कर. यहां से यहां आने में एंड ए को 12 मिनट्स लगे हैं बिकॉज वो पॉइंट बी पर 10:12 पे पहुंच गई. तो यहां से यहां आने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? 12. अब फोकस करते हैं सारे रेशियो पर. जब ये दोनों पहली बार मिले तो ए ने डिस्टेंस कवर किया है 60% ऑफ द ट्रैक और बी ने कवर किया है 40% ऑफ द ट्रैक. इनके डिस्टेंसेस का रेशियो है 3:2, तो इनकी जो रेस्पेक्टिव स्पीड्स होगी उसका रेशियो भी 3:2 होगा बिकॉज दोनों ने एक साथ मूव किया और जब ये पॉइंट क्यू पर आए तो इनका टोटल ट्रैवल टाइम भी इक्वल था. ना दोनों की स्पीड्स का रेशियो अगर मुझे मिल जाए तो हम आसानी से, अगर सेम डिस्टेंस चलना हो तो इनका जो टाइम टेकन रेशियो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा. विल से 2:3. नाउ यहां पर ये टाइम लगा है किसको? एंड ए को 12 मिनट. पर रेशियो होना चाहिए 2:3, तो इस डिस्टेंस को चलने में एंड बी को कितना टाइम लगेगा? 2:3 रेशियो मेंटेन करेंगे तो 18 मिनट लगना चाहिए. तो दैट मींस जब बी एंड ने पॉइंट पी से शुरुआत करके और पॉइंट क्यू पर पहुंची थी तो इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे 18 मिनट लगना चाहिए था. 18 मिनट में वो यहां से यहां आ गई. तो कैन वी से 18 मिनट में हमारी एंड ए जो थी वो भी यहां से यहां आई थी बिकॉज दोनों ने एक साथ चढ़नी शुरू की थी और पॉइंट क्यू पर दोनों एक साथ पहुंचे. हमें बस ये पता करना है कि एंड बी को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा. अगेन रेशियो 2:3 मेंटेन करना है. तो जिस डिस्टेंस को एंड ए 18 मिनट में कवर करती है उस डिस्टेंस को एंड बी 27 मिनट में कवर करेगी, तभी रेशियो 2:3 होगा. 10 एएम पे एंड बी यहां पर थी तो यहां आने में इसे 27 मिनट्स और लगेंगे, तो ये 10:27 AM पे यहां पहुंचेगी. फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर.